हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रेम फिर से आ गया हूँ एक नई वीडियो लेके। आज हम चलेंगे कालेश्वर महादेव मठ कालेसर, जो कि खिजराबाद से 15 किलोमीटर दूर है। लगता है वो हिमाचल का बॉर्डर ही है, हरियाणा और हिमाचल के बॉर्डर पे है। शिव जी का मंदिर है। सावन चल रहा है तो मैंने कहा सावन का महीना लगा हुआ है, मैंने कहा आज शिव जी गए भोलेनाथ के दर्शन करके आते हैं, आपको ले चलते हैं। सिंगल रोड है, बढ़िया सफ़र, सुहाना मौसम, बहुत बढ़िया। हम चले थे दोपहर को 3 बजे। एक्चुअली हम घूम रहे थे तो मेरा दोस्त कहता कालेश्वर मठ जाके मत्था टेक के आते हैं। मैंने कहा चलो, सावन का सोमवार भी है वैसे भी, तो आप भी आ सकते हैं। 24 घंटे खुला रहता है मंदिर, मतलब रात को 10 बजे के बाद नहीं जा सकते, सुबह 7 के 7 दिन खुला रहता है। सोमवार को ज़्यादा रश होता है, ज्यादा श्रद्धालु आते हैं क्योंकि शिव जी का मंदिर है। आप थोड़ी आगे जाएंगे तो हिमाचल में एंट्री कर जाएंगे, पांवटा साहब भी जा सकते हैं। हाँ दोस्तों, मेन बात, इस मंदिर में शिव अमृत मिलता है जो कि हर प्रकार के कैंसर से लड़ने के लिए कारगर है, परंतु उसको सही समय पर उसका सेवन जो है शुरू करना पड़ेगा। आप कहीं से भी आ रहे हो, अगर आप हिमाचल से आ रहे हो हरियाणा की तरफ तो इस रोड से आ रहे हो तो इस मंदिर में जरूर जाए। मठ में बहुत बढ़िया है, नवग्रह मंदिर है, शिवलिंग है, प्राचीन मंदिर है। हम तो यहाँ रहते हैं यमुनानगर, हम तो चले जाते हैं। अगर आप सडोरा, बिलासपुर, नारायणगढ़, अम्बाला कहीं भी हो तो आप अपने फैमिली के साथ आ सकते हो, बहुत बढ़िया मंदिर है। यहाँ आने के लिए आपको किसी प्रकार के पास की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कोरोना काल चल रहा है आजकल तो थोड़ा बहुत रश, क्राउड है, भीड़ जो है वो कम होगी, नहीं तो सोमवार को यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है। आप भी आ सकते हैं। तो मैं बता रहा था आपको, 14 किलोमीटर है खिजराबाद से, यमुनानगर से 43 किलोमीटर। बस वही, जहाँ से आओगे उतना अपना जुड़ता रहेगा। शिव जी है मंदिर, नवग्रह पीछे भी मंदिर की बैक साइड में जो है आप पहाड़ी नज़ारा ले सकते हो, यमुना नदी बह रही है, ताजीवाल का जो डैम है वो भी यहाँ से दिख जाता है, बढ़िया है, मस्त सफ़र है। देखो आपके सामने ही है, गाड़ी चल रही है, कैमरा मेरे दोस्त ने पकड़ा हुआ, प्रेम कुमार ने, जिसका ये चैनल है। तो आप भी आए। हाँ दोस्तों, कलेसर जाते समय जब आप कलेसर की तरफ जाओगे तो वहाँ रास्ते में हथनी कुंड बैराज का भी रास्ता आता है, वो मैंने अभी जब आएगा तो लिखा हुआ टर्न राइट। जब भी आप आए तो आप हथनी कुंड बैराज भी हो आए, एक एक किलोमीटर भी नहीं होगा, उसमें ही बहुत बढ़िया नज़ारा है, झरने, डैम से पानी चल रहा है, काफ़ी लोग आते हैं वहाँ पर भी देखने के लिए। तो जो गवर्नमेंट है, मतलब बैराज वाले, उन्होंने वहाँ पे अब जालियाँ लगा दी है, पहले जालियाँ नहीं थी, ताकि लोग उतरे ना उसमें, मतलब पास ना जाए ज़्यादा, पास चले जाते हैं तो उन्होंने फिर ये लगा दिया। और अगर आप पांवटा साहब कलेसर से आते हैं हथनी कुंड बैराज, फिर आप यमुनानगर से सचरौली से आगे आएंगे, हर्बल पार्क भी है सचरौली में, फिर वहाँ से दादीपुर हेड का भी रास्ता जाता है जो कि सड़क से 9 किलोमीटर है, पार्क है वहाँ पर भी बहुत बढ़िया, तो आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप उस रूट पर चढ़े हैं तो आपके पास अगर आधा घंटा, 30 मिनट या 1 घंटा 60 मिनट हैं तो आप दो जगह ये दो बैराज विजिट कर सकते हैं। ये देखिए हथनी कुंड बैराज का रास्ता जा रहा है, रेस्ट हाउस भी है। तो दोस्तों जब आप कलेसर आओ तो सिंगल रोड है, ओवरटेक तभी करो जब साइड मिले। दूसरा, गाड़ी आराम से चलाओ क्योंकि जंगल है, किसी भी समय भी कलेसर जंगल में से कोई हाथी, बंदर, बंदर सामने, बंदर तो आपको आम मिल जाएंगे, और जब इनके लिए कोई चील लेके जाओ चने के लिए तो साइड में गाड़ी लगा के इनको दो। देखो हमें साइड नहीं मिल रही, हमारा ड्राइवर कोशिश कर रहा है।
ड्राइवर ड्राइवर तो मैं खुद ही हूँ, मैं खुद ही चला रहा हूँ, ये मिली साइड। तो बहुत बढ़िया नज़ारा है, आजकल बरसातें चल रही हैं, बारिश हो रही है, तो और बढ़िया, हरियाली बढ़िया, ग्रीनरी। फिर सोमवार को आओगे तो भोलेनाथ के दर्शन भी करो, भंडारा वहां पे चल रहा होता है, भंडारा होता रहता है। जब आप वहां जाए तो आप भी वहां पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। देखिए कलेसर नेशनल पार्क रोड है, इस रोड पे बंदर तो आपको दोनों साइड आगे आम मिल जाएंगे। ये रोड सीधा जाता है पांवटा साहब, नाहन, नाहन से फिर शिमला, आगे धौरा कुआं, रेणुका जी, मतलब यमुनानगर से आपने हिमाचल में एंट्री करने के लिए ये रास्ता है। टोल भी है, जब हम पहले ही गए थे तब 40 रुपए की पर्ची थी, अब क्या पता बढ़ा दी हो या कम कर ली हो, कुछ कम तो होती नहीं, बढ़ाई रखी होगी 5-10 रुपए। जैसे यमुनानगर से अम्बाला का टोल पहले 115 था, अब कल परसों मेरा दोस्त हो गया तो 120 हो गया, 5 रुपए बढ़ा दिए। ये देखिए चारों तरफ ग्रीनरी, मनमोहक दृश्य है एकदम, मतलब हम जहाँ रहते हैं वहाँ तो जन्नत में रहते हैं। 40-45 किलोमीटर हिमाचल है, 35-40 किलोमीटर सहारनपुर है, 70-80 किलोमीटर जाएं तो चंडीगढ़ पंजाब लग जाता है, पंजाब, हाँ जी पंजाब की तरफ पंजाब लग जाता है। देखिए देखिए दोनों तरफ पूरी फुल ग्रीनरी है, साइन बोर्ड लगे हुए कि गाड़ी आराम से चलाएं। हाँ दोस्तों, एक कलेसर नेशनल पार्क में हंटिंग शिकार की सख्त मनाही है। अभी पिछले दिनों अखबार में खबर थी, 4-5 दिन पहले 2 हाथी आ गए थे सड़क पे दिन में ही, तो उन्होंने काफी हलचल करी, 1 घंटे के लिए दोनों तरफ का ट्रैफिक जो था वो रोक दिया था, फिर 1 घंटे बाद वो चले गए। वैसे तो रात को आते हैं क्योंकि रात को उस पर कोई, इस सड़क पे कोई वाहनों की आवाजाही कम होती है, और हम भी मंजिल के पास पहुंचने ही वाले हैं। मैं भी आराम से चला रहा था, ज्यादा नहीं भगाई नहीं मैंने भी, सिंगल रोड है, कोई आगे से आ जाए कुछ भी। अब अपने परिवार के साथ आए, जय भोलेनाथ। देखिए बस पहुंचने ही वाले हैं, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये कलेसर कालेश्वर महादेव मठ पहुंच गए। देखिए बाउंड्री है जो दीवार, ये मंदिर प्रांगण की है, मंदिर मठ ये वो, देखिए दिख रहे हैं आपको आगे बैरिगेट लगे हुए, अभी देखेंगे वो सामने बैरिकेड लगे हुए हैं, वो हिमाचल के लिए हैं, हम हरियाणा वाले हैं तो हम यहाँ से ये मठ के अंदर जाएंगे। और मठ के अंदर की वीडियो जो है वो बना रखी है मैंने, उसके लिए आप मेरी अगली वीडियो जो मैंने अपलोड कर दी है, करने वाला हूँ मतलब, बस इसके बाद उसमें आप दे सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई थी, बड़ी हो गई थी। दोस्तों ये पार्किंग लगाएंगे अब गाड़ी को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको पसंद नहीं आती तो डिसलाइक करें, कमेंट में उसका वजह लिख के आपको इस वीडियो में क्या पसंद नहीं आया। ये सारी वीडियो मैंने अपने मोबाइल से बनाई थी, मोबाइल नहीं मैं बता सकता कौन सा है, तो इसका नेक्स्ट पास्ट पार्ट जो है वो मेरी अगली वीडियो में है, वो छोटी सी क्लिप है 3-4 मिनट की, उसमें है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। ये देखिए दोस्तों, प्रोड्यूसर प्रेम कुमार, कैमरा मैन प्रेम कुमार, विक्की हैज
गिव वॉइस ऑफ दिस वीडियो. ओके बाय, टेक केयर.